हेलो फ्रेंड्स, वजन कम करने के लिए सोच रहा था कि गाजर के हलवे ने मुझे देखा, फिर मैंने गाजर के हलवे को देखा, फिर क्या, गाजर के हलवे का वजन कम हो गया और हमारा बढ़ गया। वेलकम टू द किचन स्टोरी वाइव ममता। आज हमने सोचा क्यों ना, सीजन सर्दियों का जा रहा है और एक बार गाजर का हलवा जरूर बनाएं। इसमें हमने कोई भी कद्दूकस और ज़्यादा झंझट नहीं किया और बहुत आसानी तरीके से हमने गाजर का हलवा को बनाया है। ये देखिए बहुत टेस्टी हलवा बनके तैयार है। इसमें हम 1 किलो गाजर को लिए हैं और छोटे छोटे पीसों में काट करके इसको 10 मिनट के लिए कुकर में बॉयल कर दिए। ये हलवा बहुत जल्दी ही बनके तैयार हो जाता है। एक बार आप ज़रूर मेरे तरीके से बनाने का ट्राई करें। और इसको हम 10 मिनट में ये बॉयल हो गया और इधर हम हल्के से ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई कर दिए हैं। और 10 मिनट के बाद जो हमारा गाजर बॉयल हो गया था उसमें हम ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट ये गाजर का हलवा का गाजर तैयार हो गया है। इसके हम पानी को धीरे धीरे करके सुखा देंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखें हमारा जब अच्छे से सूख जाए तो इधर हमने 1 किलो दूध को धीरे धीरे मावा बना दिया था और ये रबड़ी की तरह ही गाढ़ा सा ही बन गया और हम इसमें ऐड कर दिए। इससे क्या होता कि हमारा हलवा बहुत जल्दी ही बन जाता है अगर हम दूध को एक जगह पतीले में धीरे धीरे बॉयल कर दें। और इसके बाद हम दूध सूखने के बाद चीनी अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसमें चाहे तो थोड़ा सा हम घी और ऐड कर लेंगे 2-3 चम्मच, जिससे गाजर में अच्छा और खुशबू आ जाता है घी का। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और वाटरमेलन पम्पकिन से और किशमिश को ऐड किया है। और ये देखिए हमारा खोआ और गाजर सब एक बराबर सा हो गया। उसमें थोड़ी सी हम इलायची ऐड कर लिए हैं और ये हमारा अच्छा सा बनके तैयार हो गया है। चाहे तब इसमें थोड़े से खोए को भी अलग से ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही दूध को ऐड कर लिया था इसमें अच्छे से। और ऊपर से थोड़े से हम डेकोरेट के लिए ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किया था उसको डाल लेंगे। इसमें हमने पिस्ता, काजू, बादाम सब ऐड किया और सिल्वर लीफ को भी डाला। देखिए ये हमारा बहुत बढ़िया गाजर का हलवा टेस्टी तैयार हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।